बॉयकॉट मालदीव्स तो ट्रेंड में है, आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या है इसकी पूरी सच्चाई, आपको पता है? अगर नहीं पता तो वीडियो में बने रहे, नहीं तो आप भी ज्ञान के अंधे हैं। कुछ दिन पहले मोदी जी ने डुबकी लगाई तो लक्षद्वीप में, लेकिन किसको पता था मोदी जी के डुबकी लगाने से मालदीव डूब जाएगा। ये बात वहां के कुछ छपरी नेताओं को हजम नहीं हुई तो उन्होंने मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन उल्टा सीधा बोलने से पहले वो अपनी जनसंख्या गिनना भूल गए। मालदीव्स की जनसंख्या 5 लाख है और 10 लाख से ज्यादा भारतवासी #बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करा चुके हैं। क्रिकेटर्स से लेके बॉलीवुड की हस्तियों तक सभी लोग लक्षद्वीप के सपोर्ट में खड़े हैं। कई हजार लोगों ने मालदीव्स की अपनी टिकट कैंसिल करा दी है, लेकिन सवाल ये उठता है ये सब हो क्यों रहा है, आखिर क्यों मालदीव्स अपनी ऐसी तैसी करवाने में लगा पड़ा है। तो हुआ यूं, 17 नवंबर 2023 को मोहम्मद मोइजू मालदीव्स के 8वें प्रेसिडेंट बने और उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में ये बोला था कि अगर वो जीते तो मालदीव में मौजूदा भारत सैनिकों को देश से बाहर निकाल देंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, मालदीव्स में भारत जवानों की संख्या सिर्फ 75 है, सिर्फ 75। लेकिन मौजूद तो ज्ञान के अंधे निकले, उन्हें पता नहीं था कि भारत और मालदीव्स के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। मालदीव्स के पिछले राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालिन भारत के एक अच्छे सपोर्टर थे। मालदीव्स का हर नया राष्ट्रपति सबसे पहला दौरा भारत का करता है, लेकिन मौजूद तो ज्ञान के अंधे हैं, वो सबसे पहले गए टर्की, फिर गए चीन के दौरे पर। अब कहीं ना कहीं तो हाथ चीन का भी है मालदीव्स को कॉन्फिडेंस दिलाने में कि भारत से पंगा ले ले, लेकिन मालदीव्स वालों को पता नहीं था कि उनका टूरिज्म भारत की वजह से चलता है। साल 2023 में सिर्फ 25 लाख से ज्यादा लोग मालदीव्स गए हैं। हर साल मालदीव में सबसे ज्यादा जाने वाले टूरिस्ट भारतीय ही होते हैं, लेकिन मौजू और उनके कुछ छपरी नेता तो ज्ञान के अंधे हैं, उन्हें ये बात पता ही नहीं है। वो लोग भूल गए कि जो लोग पीने के पानी के मोहताज है उन्होंने उड़ता तीर ले लिया है। 5 जनवरी को उनके प्लांट में आग लगने के कारण उनके देश में पानी पीने की किल्लत पड़ गई थी और अगले ही दिन भारत ने वहां पानी पहुंचाकर उनकी मदद की थी। इस घटना से आप मालदीव्स की हैसियत का अंदाजा लगा सकते हैं। जो देश पीने के पानी के लिए तक भारत पर निर्भर है, वहां के कुछ छपरी नेता प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। अब वो वहां के छपरी नेताओं ने तो उड़ता तीर ले ही लिया, तो इसका जुर्माना तो भुगतना ही होगा। इसलिए आपको मैं कहता हूं, आप ज्ञान के अंधे मत बनो मालदीव्स के कुछ छपरी नेताओं की तरह। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जब तक ज्ञान के अंधे मत बनो।